गाइस आईफोन 12 और आईफोन 13 के प्राइसिंग में आप सभी लोग को ऑलमोस्ट 10,000 to 12,000 तक डिफरेंट देखने को मिलने वाला है बिग बिलियन डे सेल में गाइस। और गाइस जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग होने वाली है आईफोन 12 की वो होने वाली गाइस 40,000 से लेके 45,000 के बीच में, और गाइस जो आईफोन 13 की जो प्राइसिंग होने वाली है गाइस वो होने वाली है 52,000 से लेके 55,000 के बीच में गाइस। सो दोनों ही फोन अपने आप में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। दोनों ही फोन में आप सभी लोग को 6.1 इंच का ही डिस्प्ले देखने को मिलता है, और गाइस लुक और डिजाइन में भी दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिल रहे हैं। एक्सेप्ट गाइस आप सभी लोग को बैक साइड थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिल रही है। आईफोन 12 का जो कैमरा है गाइस वही रेगुलर कैमरा है जैसे अभी तक हमने देखा है आईफोन 11 आईफोन 12 में, लेकिन आईफोन 13 का जो कैमरा है गाइस वो आप सभी लोग को डायगोनल कैमरा देखने को मिलता है जो कि अलग करता है आईफोन 13 को आईफोन 12 से। और गाइस अगर फ्रंट से देखोगे तो आप लोगों को दोनों ही फोन में कोई भी चेंजेस कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही फोन में गाइस आप लोग को एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिलता है गाइस। और गाइस बात करते हैं दोनों फोन के प्रोसेसर, तो आप लोग को आईफोन 12 में मिलता है A14 बायोनिक चिप और आईफोन 13 में मिलता है A15 बायोनिक चिप गाइस। लेकिन गाइस अगर दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस का कंपेयर करा जाए तो गाइस नेक्स्ट टू इम्पोसिबल है दोनों ही फोन का बताना कि कौन ज्यादा फास्ट है कौन कम फास्ट है। हालांकि आईफोन 13 में न्यू जनरेशन का चिप देखने को मिलता है तो गाइस माइनर से परफॉर्मेंस में बूस्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन गाइस अगर डे टू लाइफ में अगर दोनों ही फोन की बात करें तो आप लोग को थोड़ा सा भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलने वाला है गाइस। लेकिन गाइस कैमरा में आप सभी लोग को थोड़ा सा आगे निकल जाता है आईफोन 13, क्यों गाइस इसमें आप लोग को सिनेमैटिक मोड देखने को मिलता है, और वहीं गाइस आईफोन 12 में ये फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गाइस दोनों ही फोन का जो अगर कैमरा की बात करें दोनों ही गाइस फोन कैमरा बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आईफोन 12 का सिर्फ और सिर्फ सिनेमैटिक मोड को छोड़ के गाइस बाकी सब कुछ आप लोग को आईफोन 12 में अच्छा देखने को मिलता है उसके कैमरा में। तो गाइस कैमरा के मामले में दोनों ही फोन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं गाइस। लेकिन गाइस आप लोग को स्टोरेज के मामले में आईफोन 12 और आईफोन 13 कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिलता है। आईफोन 12 स्टार्ट होता है 64GB स्टोरेज के साथ, लेकिन गाइस आईफोन 13 स्टार्ट होता है 128GB स्टोरेज के साथ। तो गाइस अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, क्योंकि गाइस आईफोन 12 और आईफोन 13 का जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट आप लोग को 10,000 से 12,000 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस आप लोग को अगर आईफोन 13 के लिए जाते हैं तो आप लोग को 128GB वेरिएंट वाला फोन देखने को मिलता है अराउंड 52,000 to 55,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। वहीं गाइस अगर 128GB आईफोन 12 की बात करें तो गाइस आप लोग को वही 58,000 या 50,000 तक देखने को मिल जाएगा आईफोन 12 का 128GB वेरिएंट वाला फोन गाइस। तो यहां भी आप लोग को 5,000 रुपए ज्यादा देखने को मिल रहा है 13 की प्राइसिंग आईफोन 12 के 128GB से। तो गाइस अगर आप लोग को प्रायोरिटी है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी और गेमिंग वगैरह ज्यादा खेलना चाहते हो तो आप लोग को डेफिनेटली आईफोन 13 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आईफोन 13 का बेस वेरिएंट वाला स्टोरेज ही 128GB से स्टार्ट होता है गाइस। तो आप लोग को ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है आईफोन 13 अगर आप लोग को प्रायोरिटी है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी। लेकिन गाइस अगर आप लोग को ये सारी प्रायोरिटी नहीं है, अगर आप लोग नॉर्मल यूज के लिए लेना चाहते हो तो आप लिए बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है आईफोन 12। तो गाइस आप सभी लोग का बजट लिमिटेड है तो आप सभी लोग को आईफोन 12 के लिए ही जाना चाहिए। लेकिन गाइस अगर आप सभी लोग थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हो थोड़ा ज्यादा पैसे डाल सकते हो तो गाइस आप लोग को डेफिनेटली आईफोन 13 के लिए जाना चाहिए। तो गाइस ये थे आईफोन 12 और आईफोन 13 का कंपैरिजन। अगर गाइस आप सभी लोग यहां तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।